हेलो एवरीवन, मैं हूँ निशु। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल निशु ब्यूटी हैक्स में। आज मैं क्रिएट करूँगी स्मोकी आईलुक, जो काफ़ी इजी है। तो चलिए बिना देर के स्मोकी आईलुक क्रिएट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम लेंगे कंसीलर। मैंने यहाँ पे लैकमे का कंसीलर लिया है, आप चाहे तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और इसे अपने पूरे आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। मैं इसका यूज आई बेस के तौर पे कर रही हूँ। इसे अपने दोनों आईलिड पे अप्लाई कर ले और फिर ब्यूटी ब्लेंडर लेकर मैं ब्यूटी ब्लेंडर के कोनों से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले। इसके बाद हमें लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर और इसे अपने कंसीलर को सेट कर लें। इतना करने के बाद हमारा जो स्मोकी आई लुक होगा वो काफ़ी निखर के आएगा। तो मैंने यहाँ पे कंसीलर को सेट कर लिया है और हमें अब लेना है ब्लैक काजल। मैंने यहाँ पे एलेटिन का काजल यूज किया है, आपके पास जो भी हो आप उसका यूज कर लें। और इसे अपने पूरे आईलिड पे लगा लेना है। मैंने यहाँ पे अपने दोनों आईलिड पे लगा लिया है, इनर कॉर्नर पे ज़्यादा हाई ना जाए। और फिर मैंने इसे अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लिया है, दोनों आँखों पे अप्लाई कर लिया है। अब आप फिंगर की हेल्प से या फिर एक स्मंजर की हेल्प से इसे अच्छे से स्मंज कर ले। मैं यहाँ पे फिंगर का यूज कर रही हूँ। डोंट वरी, आपके फिंगर में लगेंगे नहीं, जल्दी रिमूव हो जाएंगे बस पानी से। अब हमें लेना है यहाँ पर ब्लैक मैट आई शेडो और इसे जहाँ पे काजल अप्लाई किया है वहाँ पे प्लेस कर लेंगे। इससे हमारा काजल जो है वो बिखरेगा नहीं। एक ब्रश की हेल्प से इसे प्लेस कर लेना है। फिर हम लेंगे यहाँ पे ब्राउन मैट आई शेडो, फिर इसे अपने क्रीज लाइन पे लगा लेना है। क्रीज लाइन पे लगाने के बाद हमें दोनों को, जो ब्लैक मैट आई शेडो लिया था और ब्राउन आई शेडो को, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे लुक बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने इसे आई शेडो को लेकर अपने लोअर लैश लाइन के नीचे अप्लाई किया है और इसे भी थोड़ा सा स्मज कर लिया है। ट्रस्ट मी गाइस, ये लुक काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसे 5 मिनट के अंदर में ही क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने लिया है यहाँ पे आईलाइनर, मैंने लैकमे का आईलाइनर लिया है। आप कोई सा भी आईलाइनर ले सकते हो और इसे अपने आँखों पे अप्लाई कर लेना है। आईलाइनर सिर्फ अपने लैश लाइन पे ही अप्लाई करना है। मैं यहाँ कोई विंग्स लाइन क्रिएट नहीं कर रही हूँ। और अब फाइनली हम मस्कारा की यूज करेंगे। ये हमारा, इसके बाद हमारा फाइनल लुक हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लैकमे का 9 to 5 मस्कारा यूज किया है। आप कोई सा भी मस्कारा यूज कर सकते हो और इसे अपने अपर आईलैशेस पे और लोअर आईलैशेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। एंड दिस इज माय फाइनल लुक। अगर आप बिगनर्स हो फिर भी इस लुक को अच्छे से क्रिएट कर सकते हो और भी 5 मिनट के अंदर ही। फ्रेंड्स बताओ कैसा लगा है वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।